कॉपीराइट आ सकता है, मेरे को पता है आज। मे बी शायद वीडियो ही डिलीट हो जाए क्योंकि मैंने WWE का लोगो यूज़ कर लिया, बट मैंने पूरी नहीं दिखाई है, वो ओपनिंग क्रेडिट जो आती है ना वो मैंने पूरी नहीं दिखाई। शायद ऐसा हो सकता है भाई कि आज मेरी हो जाए, बट मैं चाहता हूँ कि ना करे WWE, लेकिन ट्रिपल एच में देखता हूँ, नहीं लगता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट देखो वो पूरी ओपनिंग दिखा देता ना तो शायद मेरी वीडियो चली जाती। बट बाय द वे हटाओ, वो वीडियो आएगी जाएगी अलग बात है। नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग खेलने वाले हैं WWE का मायरस मोड, जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बहुत टाइम से, अनडिस्प्यूटेड। और कौन सा था, एक और था, एक अनडिस्प्यूटेड था और एक अनलीज्ड और अनडिस्प्यूटेड, शायद यही दो थे। तो मुन्ना भैया को तो आप लोग जैसे कि जानते ही हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसा गेम प्ले वीडियो, मायरस को आगे बढ़ाएंगे। अरे यार मेरी फिर से कोई हालत खराब हो, मुझे तो फ्री वाले सारे वीडियो बनवा दे, सारे पागल है तोड़े हुए वीडियो बनवा दे। चलो ट्रॉय से बात करें, 38 मेरे पास वो है। Champ, I am so excited you're here. Troy, would you take offense if I said that every time you're this excited, I worry something? No. The suspense is killing me. कुछ पार्टी वार्टी होने वाली है, पार्टी होने वाली, पावी होने वाली है, पावी। ओह शिट, रैंडी सेवेज क्रिकेट भी दिखा रहे। ओके 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 ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, लेट्स गो गेट टू मैच, गेट टू द मैच। वेयर हैव यू बीन? सॉरी। Finally, we can talk about my plan to make you the brightest light on the road to WrestleMania. Are you real voice? I'm just... I don't suppose your tux can be explained away by dressing up the announcement of who I'm defending against at Mania. Think bigger. We are going to do a WWE classic. Achha, wedding hone wali hai. Who exactly is getting married? Oh, it's as bad as you're thinking. If by bad you mean brilliant, guys. The WWE Universe loves the chemistry between the attractively toxic Gigi Dolin and the most must-see Universal Champion in WWE. I'm the only Universal Champion in WWE? When you went and trained with Lita, you gave me the inspiration. Okay. When she and Kane got married, that was must-see. Lita, Lita. Was it though? Lita, 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 Lita. Lita, Lita! WWE Universal Champion will draw more eyeballs. I love a publicity stunt as much as anyone, but I have questions. Same. And I have all the answers. Get dressed for... We are announcing your big engagement with a Miz match challenge. Gigi and the Dark Horse versus the hottest couple in WWE history. Miz and Mrs. But... Mary's bhai. Get engaged. Mary's bhai, my ways. Concerns. Lay them aside and put on your formal wear. Because we've got an engagement to announce. Okay, bhai, storyline thodi epic ja rahi hai. Shadi baji hone wali hai, shadi baji, shadi baji. Teen shak, arre rehne do bhai, T series kabhi copyright nahi mil sakta main abhi. Ek hi video mein itna kuch ho jayega mere sath. Mere mic ki wire kaisi kyun lag rahi hai? Randy Savage showing his cleavage. तो देखो यार गाइस, बात ऐसी है कि अरे यार फिर से ये वाली तार, वही का मिनट। ओके, यहाँ से ही, यहाँ से ही, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अरे माइक की तारे दिखनी पड़ती है तो तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए। मिस एंड मिसेस क्या होता है? मिस एंड मैवेज बोलो, मैवेज मैवेज मैरिज मरीज। देखते हैं एक बार कौन आ रहा है, वैसे पता ही था। लेट्स गो गोल्स, ये मैंने हर्ष बनीवाल का चुरा के बोल दिया। जी जी ओके, मैरिज मुन्ना भैया हैं, जी 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 के साथ शादी कर रहे हैं। अरे लेट्स गो,
चलो आज नए नए मूव्स लेते हैं। Our GM is actually calling this a Mizzed match challenge. Not surprised as the Miz will do. अरे यार ये अटकता क्यों है, समझ नहीं आता यार मैच। Anything for publicity, but to exploit someone else's engagement is a bit much. Take out frustration. Don't spoil the party, Saxton. मैं तो पूरा डैमेज करूंगा पहले मैविस को। मैविस मैरिस मैरिस का सर यार, यही मूव मेरे को चाहिए था, ये मूव मुझे चाहिए था। हाँ मैं पहले हेड डैमेज करूँ। मैं गर्ल्स मैच में अभी तक ब्लड नहीं देखा यार। अब ये मत बोलना कि तुम वायलेंस कर रहे हो लड़कियों के साथ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि गर्ल्स मैच में क्या होता है ऐसा। ये तो चीटिंग है यार, चीटिंग हवाई सरे। एसटीओ दे दिया सीधा भाई। ये जीजी जो है, जीजी जो भी है, ऐसा नहीं लगता कि जीजी जो है जाने तो नहीं दूंगा ऐसे में। अब मिस अंदर नहीं आ सकता फिर से। अरे यार क्यों टैग। मिस को तो भाई टैग देना ही नहीं है। अभी जीजी खेलेंगी, जीजी खेलेंगी अभी। मेरे को ब्लड निकाल के देखना है एक बार इनके कपड़े मतलब लाल होते हैं कि नहीं। बाकी कपड़े बहुत गलत दिख रहे हैं इन लोगों के, मतलब अगर तुम देखोगे नीचे साइड ना तो इनके कपड़ों के वो हो रहे हैं, मतलब ग्लिच आ रहे हैं, कपड़ों में ग्लिच हो रहा है इनका। ये अच्छा चीज बनाया है इस बार टैग टीम में ना, कोई भी बंदा एक ही बार घुस सकता है, बस एक ही बार घुस सकते हैं, उसके बाद फिर वो क्रॉस आ जाएगा ऊपर में। क्या डबल टीम करने की सोच रही थी जीजी। बोला ना एसटीओ था वो। मेरे को एक बार सिर्फ ब्लड निकालना है। अबे हाँ ना हो गया। अब मिस अंदर नहीं आ सकता भाई, ब्लड नहीं आएगा क्या इसका यार, गलत है ये। मिस को तो मैं बहुत तोड़ूंगा, पर लड़की लोग से पेनफुल कराना ज्यादा बेटर है, क्योंकि लड़कियों को इन लोग अटैक नहीं करेंगे, करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जो भी अटैक करेगा वो। शायद गर्ल्स लोग का ब्लड नहीं आता। भाई स्टंट में कैसे रिवर्स कर सकते, चीटिंग चीटिंग भैड़ी चीटिंग हुई। स्टंट में रिवर्स कैसे किया इसने, हम भी करेंगे भाई। गर्ल्स लोगों का वो नहीं आता क्या ब्लड ब्लड। अभी मैं मिस में भी ट्राई करूंगा देखना ना। इसका तो पेनफॉल ऐसी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। छोड़ो आप फिनिशर दे के कर ही दे यार, गर्ल्स लोगों का ब्लड नहीं आ रहा है इसमें। What a counter! Oh man, spine crushing impact.
अरे यार पिन फॉल करवा लो यार, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो सबमिशन होगा, सबमिशन से ही पिन फॉल होगा, जो होगा सबमिशन से ही पिन फॉल होगा अब तो। एक सेकंड, जीतने का ही दिया है बस, अब दोनों अंदर नहीं आ सकते, ना मुन्ना भैया ना मिस। और धीरे काउंट करो रेफरी, चलो अब कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, इसने तो कहा था सेलिब्रेशन। सेम सेम पोस्टर दिखा के बोर कर रहे हैं भाई, 2K वाले कसम से यार। ओके ओके Tonight's wedding bells ring on SmackDown. Can't wait to slam wedding. Oh, Seth Rollins. कोई स्टोरी है? नहीं है। चलो पहले तो अपने आप को अपग्रेड कर लें, स्ट्राइकिंग बढ़ा लेते हैं 25 और, ग्रैपलिंग भी अच्छा 25, ठीक है कोई नहीं। हुआ कितना वैसे? 89, फाइनली 89। चलो भाई शादी वादी की जाए। Tonight's our big night. Gigi, what are you doing? I'm not supposed to see you before the ceremony. Well, shoot. I guess if watching me beat up Maurice in this beautiful dress didn't jinx our wedding, this definitely put a nail in the mirror. What is actually happening tonight? I don't know, but that squirrely producer Troy had me sign a bunch of paperwork. अच्छा ट्रॉय जो है वो प्रोड्यूसर है। I signed some stuff too. I wouldn't put anything past him. Well, we've managed to make lemonade out of his lemon. All right, hubby. Nope, feels weird. I kind of like it. Gross. ये नेक्स्ट लेवल बकर चल रहा है भाई। रोमन रेंस के साथ मैच दो यार, खत्म करो मायर रेस। मेरे को रोमन रेंस और मेरे को ब्रॉक लेसनर को अनलॉक करना है बस, और कुछ नहीं। ब्रॉक लेसनर चाहिए मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है डोमिनिक वाले में अगर मैं जाता तो दूसरी स्टोरी क्या होती है, अगर डोमिनिक में जाता मैं तो। ओके मिस प्रॉमिस्ड अस अ स्पेक्टेकुलर वेडिंग फॉर द एजेस, नॉट श्योर दिस इज दैट, स्टॉप सैक्सटन भाई। लेकिन WWE की रियलिटी दिखा दी इस गेम में यार, कि ये सब बोलने की बातें हैं, सब ऑन टीवी होता है, ऑफ टीवी कुछ और चलता है। Everyone's a critic. कितना सस्ता अरेंजमेंट कराया प्रोड्यूसर ट्रॉय ने, बहुत सस्ता। इतना सस्ता कराता है कोई है? इतना सस्ता? हाँ You're booing love and commitment? They're just jealous. Before we recite the vows, does anyone here have reason to object to this wedding? Speak now, or forever hold your peace. You get the sense the WWE Universe is rooting for an interruption here. Troy, aren't you skipping a couple of things? Isn't there the ceremonial... The tying of our hands thing with the ribbons. We still need to do that. Going on, eh? Logan Paul, back in. Okay. WWE Women's Champion thinking. This is a sacred ceremony. You were all waiting for an interruption, weren't you? Let's hear it. Two goofs go through a Miz's shotgun wedding? No. हो गई बेइज्जती, हो गई। Or do you want to see the hottest, most influential, most fashionable, real couple
भाई मेरी वीडियो ना बाकियों से अलग हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? बाकियों का भी पता, पर मेरे वाले में थोड़ी डिफरेंट चल रही है स्टोरी बाकी लोगों की। कुछ कुछ लोगों की जो मैंने देखी थी उस पे डोमिनिक को चूज करने के बाद कुछ और। मतलब ऐसा तो नहीं है मेरी वाली स्टोरी अलग चल रही है बाकियों की अलग थी, क्योंकि मेरा माय रेस मोड ऐसा क्यों हो रहा है? वो लीता की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। Go to commercials. भाई सही भाई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पास जो मायर आइज आया है वो थोड़ा सा अलग आ गया है बाकियों से, क्योंकि बाकी चित्तों की मैंने देखी है ना, पता नहीं यार, मतलब ये सब मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसा भी मैंने कहीं देखा है। मेरी मैरिज बोर्ड मेरे को WWE ने थोड़ा अलग स्पेशल तरीके का दिया है कि डिज़ाइन करके, क्योंकि ये वाला मैंने शायद अप अप डाउन डाउन वाला ये जो गेम वाला था वो सब मैंने शायद नहीं देखा है कहीं, या लोगों ने हो सकता है काट दिया प्रमोशन, तो मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो शायद लोग नहीं दिखा रहे। मैं भी मेरे भाई बाद में क्लियर करनी पड़ेगी। चलो भाई सेथ रॉलिंस के साथ मैच होने वाला है अपना। स्टोरी नो स्टोरी, अपग्रेड्स हैं नहीं है? चलो चलो फिर मैच की तरफ। This feels weird in my mouth to say, but thanks. I'm gonna mark today in my calendar. Gigi. Stop or I'll take it back. Putting the WWE Universal Championship on the line to get me a title. We really dodged a bullet there, or actually more like a missile. Come on, it wouldn't have been. I guess. I don't think he cares about the wedding going. Then I guess we better win. ओके अच्छा, मतलब एक और मिक्स्ड जेंडर वाला मैच है शायद बैकी और सेथ के साथ में। बैकी एंड सेथ, सेथ फ्रिकिंग वॉयस, गो टू रेसलमेनिया। ओके कैन नॉट हेल्प, गॉट इट। अब समझ आया, जो मैंने मिस के साथ हाथ मिला लिया ना इसलिए ऐसा हो रहा है, और अगर मैं मिस के साथ नहीं होता ना तो शायद दूसरी स्टोरी चलती, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब हर हर चीज़ की ना भाई, तुम जो डिसीजन बनाओगे ना उसके हिसाब से वैसी एंडिंग होगी, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी शायद मैंने देखे हैं ना एक दो वीडियोस, उसमें कोई भी शायद मिस के साइड नहीं होता है, वो अपनी दूसरी स्टोरी बना रहे हैं सब इसलिए। तो भाई वो वाला पार्ट देखो कि जब जो मैंने बनाया है, डोमिनिक की हेल्प नहीं ली, लीटा की हेल्प ली मैंने। और ये आ गए अपने ऑस्टिन रोमियो। अच्छा वुमेंस चैंपियनशिप है, चलो ठीक है, मतलब अपन लड़की बन के खेलेंगे और शायद मैनेजर में सेथ रॉलिंस और वो खड़े रहेंगे। अच्छा मैनेजर है ही नहीं, वुमेंस चैंपियन बनने वाली है कौन? जी, वुमेंस चैंपियन बनने वाली है। चलो भाई बैकी को मारना, मजा आएगी। अच्छा डायरेक्टली दे दिया है पिनफॉल और सबमिशन। यार ये कितने स्लो मूव्स हैं इनके। दिमाग खराब करके रखा था भाई की। बैकी भी लाइक क्या कर रही हूं आज मैं।
रोप्स वगैरह में कूद के नहीं मारती क्या यार? भाई मेरे को हराना मुश्किल है इस गेम में, ठीक है? बचपन से एक ही गेम खेला है, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, WWE 12, 13. सिग्नेचर रिवर्स कर दिया यार इसने. मेरा दिमाग कहीं और था, छोड़ो. मेरा सिग्नेचर ले लिया यार इस कुतिया ने. रेफरी भी तो इतना धीरे गिनती है ना, क्या ही बताऊं. हाँ ठीक है भाई, आ जा एक बार और कूद जा. वेस्ट कर लिया सिग्नेचर और फिनिशर इसने. आई नो गलत किया बट और कोई चारा नहीं था. चलो रेजिलेंस तो गई बैकी की. ये प्रिडिक्टिव मूव एक नंबर दिए हैं भाई WWE में इस बार. 1, 2. चलो भाई, फंसा के पिन करने से AI तो नहीं बट इंसान हम जीत सकते हैं क्योंकि हमें पता है ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स. वुमेन्स चैंपियन गिगी. अब पता है अगले 2K के गेम में मैं क्या चाहता हूँ? नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स. और जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि इस गेम में अब लोडिंग्स हट जाए, डायरेक्ट गेम लोड हो. मतलब लोडिंग वोडिंग स्क्रीन ये सब आए ही नहीं. You just beat Becky Lynch like I knew you would. It felt amazing. Did you see the look on ऐसा ना हो सच में इनकी शादी वादी हो जाए. मतलब ये ना मैं बता रहा हूँ, अगर मैं बताता हूँ, अगर मैंने चूज़ किया होता कि मैं मिस के साथ नहीं हूँ, मैं दूसरे उसमें जा रहा हूँ, तो हो सकता मैं NXT चल देता, या मैं इधर उधर, या मैं कहीं कहीं और चले जाता NXT वगैरह किसी और ब्रांड पे, ठीक है? बट मैंने मिस के साथ चूज किया ना, तो मिस की स्टोरी लाइन चल रही है अब, जो चल रही है ये मिस ने बनाई है ये सारी स्टोरीज. सेथ रॉलिंस के साथ मैच है शायद मेरा अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, थिंक सो. ऐसा ही तो लगता है, बाकी देखते हैं अगर होगा तो. चलो यार, वो अच्छा, ये वही वाला एरिना है WWE का, रेसलमेनिया वाला, हॉलीवुड. रेसलमेनिया गोज हॉलीवुड. He's the WWE Universal Champion and Mr. Introducing the champion. भाई यार इतने सीन्स है ना. केन वाला आउटफिट, शील्ड और केन का आउटफिट है मेरा, देखना देखना. सेथ रॉलिंस का ना ब्लड आ जाएगा. अरे शेन मिकमैन, शेन मिकमैन वाला क्यों आ गया मेरे अंदर? शेन कॉम्बोज की स्क्रीन देखनी है यार मेरे को पहले, कॉम्बोज. अच्छा ठीक है, यही तो दिक्कत है ना, सारे लोग कॉम्बोज बहुत रिवर्स करते हैं. Savage knee to the face. The challenger eating up some
tossing to the wind and leaping to the outside. Boom. Taking head over heels. Axe handle. Oh, and a knee to the face. Okay, he's re-entering the ring. He's going for it all. Launching. Good Lord, taking flight. Took a leap of faith and connected perfectly. This could be just what they needed. Watch out. I know मैं अति मचा रहा हूँ लेकिन मजा आ रही है. Seth Rollins desperately needs to figure this out. Rollins has to find a way to right the ship here. Huge boot. Superman punch देने के लिए कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था. ये दोनों हस्बैंड वाइफ लोग क्या चुराते रहते हैं किसी के नेचर पे नहीं सर. पेडिग्री है ना शायद सिग्नेचर सेट का. शायद हाँ कोई रिवर्स ही नहीं हो रहा है. Looks like a neck breaker. मेरा टाइटल जाने वाला है ऐसा क्यों लग रहा है. हेट योर फिनिशिंग मूव ऑन सेट दिखा रहा है क्योंकि बड़ा फालतू लगता है साला ये. ये सबसे फालतू लगता है. ये देखने में भले आप लोगों को मजा आता होगा लेकिन बड़ा बकवास लगता है. सुपर फिनिशर नहीं है मेरे पास पर नहीं तो मैं बताता. देखे ब्लड आया ना सेथ रोलिंस को. सेथ का आ गया. ले भाई जाए. रेजिलेंस तो गई शायद. छू गई रेजिलेंस गए. भाई कट सीन कुछ होने वाला है. और सब मेरे को बू भी इसलिए कर रहे हैं शायद मिस की वजह से क्योंकि मिस जो है वो हील कैरेक्टर है और मैं फेस इसलिए. Miz and Gigi have turned the WWE Universal Champion into a real son of a winner. He's a winner, Cole. Learn to दोनों हार गए ना इसलिए शायद. And here comes Gigi Dolan to lord it over Becky and Seth. Yeah, how about a little humility? You really expect that from these two? First it was getting Xavier Woods show canceled. And now the title of first couple of WWE. चलो भाई ये स्टोरी लाइन देखने को आप लोगों को पहली बार मिल रही होगी क्योंकि देखो ये हील वाली स्टोरी लाइन है. हर किसी ने फेस वाली देखी है. मैंने हील बनाई है. मायराइज बोर्ड की हील वाली. The new WWE Women's Champion and the WWE Universal Champion were both victorious tonight, and this crowd is giving them hell for it. A true heartbreaker to end night one of WrestleMania. ये heel story है भाई. Heel story भी बनाई हो किसी ने? Heel route अलग है और face route अलग है मतलब. लीटा को पिक करो या डोमिनिक को वो वाली भी चीज मैटर करती है बट ऐसा है कि ये हील वाली ज्यादा है.
चलो भाई कंटिन्यू करें। मतलब शुरू की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, फिर डिपेंड करता है हील हो या फेस हो। ब्रॉक लेसनर को बुलाओ यार, मेरे को ब्रॉक लेसनर चाहिए। What did I tell ya? Most powerful duo in WWE. I have one question for the two of you. Just who in the hell do you think you are? You must not have heard him. We are the most powerful duo in WWE. Do you think calling yourselves that means you can go around making your own matches at WrestleMania? I am the general manager of SmackDown, aka. और अब शायद मैं फेस होने वाला हूँ क्या? Powerful man in WWE. अच्छा था एक और. Troy's got pull. You think you're cute? I am your boss. You will show me respect. You get every bit of respect that you deserve, Miz. Miz. Which is to say, not much. You ungrateful. Miz ये कहना चाह रहा है कि WrestleMania के matches मैं बनाऊंगा, सब करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा था WWE में, ना कि तुम लोग। I made both of you. मेरी respect करो। I gave you a hit. Worldwide streaming platform. Let's be real. You ripped off Xavier's show and pushed Gigi and me into a TV wedding that neither of us wanted any part of. The only fraud standing here is you, Miz. Miz. Agreeing to work with you was the worst decision I've made in my entire career. ये extra storyline है. We don't need you. So no more rip-off show, no more publicity stunts, no more Miz. A face. This. अब हील की जगह फेस स्टोरी कंटिन्यू होगी। मैंने पिक की थी हील स्टोरी, बट अब फेस होगी। पैक योर बैग्स। You don't finish this, I do. Pack your bags, Dolan. You're going to Raw. What? I'm the WWE Women's Champion. You were, but you're Regal's problem now. So hand over my WWE Women's Championship. अच्छा। Do it now. अरे यार ये साड़ा पागल है। I could take you down so fast. ये पागल है थोड़ा। Go ahead, hit me. I'll fire you. ब्लॉग बना के डाल दूंगा इसके खिलाफ एक। डिस बनाएंगे डिस। कहाँ है बाबू भैया को बुलाओ, डिस बनाएंगे डिस। That's fine. I'm not gonna have to strip you of your title. Oh. Soon enough. You're gonna lose it. Your next defense is going to be so grueling. It is guaranteed to end your reign. You are the pettiest human being I've ever met. And you are just a bad memory. Congrats on the big WrestleMania victory. ठीक है, champ. ठीक है, समझ गया. आ भाई समझ गया. अरे आज जब मेरी वीडियो आएगी तो थगेश की भी शायद एक वीडियो आने वाली पूरी सुपरस्टार के साथ। यो यो ओके अगली गेम में मैं चाहता हूँ। मतलब यार ऐसा है ना कि यार मैं कुछ गलत नहीं चाह रहा, क्योंकि देखो 2K22 में ग्राफिक्स इंप्रूव हुए, 2K23 में लोडिंग इंप्रूव हुई, और थोड़े से छोटे मोटे ग्राफिक 19-20 का अंतर। स्ट्रिंग क्रीड यही सब हुआ। ठीक है, अच्छा मेरे पास अपग्रेड पहले लड़की बाजी बाद में। ठीक है, अब 27 और भाई 100-150 दे दो ना, एक बार में 100 ही कर ले, 90 तो हो ही गया। Well, our ascension to power did not go entirely as planned. I promise you, Miz is going to be out of the picture, and I'm going to. Hey, look, I'm all for being one of the many reasons you have to punch Miz's dumb face one of these days. But I'm... you beat. And hell yeah, you are. You need me? You know where I'll be. Raw. On top of the mountain on Raw.
You're damn right. See you around, Dark Horse. See you, Gigi. Gigi. Totally. Gigi. ये हील स्टोरी लाइन तुम लोगों ने देख ली भाई. देखो सब लोगों ने फेस स्टोरी लाइन बनाई है, मैं इसको ना फॉलो करके मैंने हील बनाई, बट देखो हील के बाद फेस, मतलब मैंने एक्स्ट्रा स्टोरी डिस्कवर कर दी है. 666 डेज, शैतान का नंबर. शैतान शैतान है अपना मुन्ना भैया. अच्छा ये सब मेरे पास अनलॉक हुए. ट्रॉय. Hey, Troy. Troy, so good to see you, man. You too, champ. Sarcasm for sarcasm. A live interview on The Bump that you're on? Oh, I won't. Great. There's a car waiting outside. Wow. You guys really know how to treat your champions. Cutscene आने वाला है क्या? अच्छा लग रहा है. Story. चलो ठीक है. इस बार अटेंशन टू डिटेल बहुत दिया है. स्टोरी है तो स्टोरी, मैच है तो मैच, स्पेक्टेट कर रहे हैं अगर अपन खेल नहीं रहे तो स्पेक्टेट. Some say the story was finally completed on night 2 of WrestleMania when Cody Rhodes won the World Heavyweight Championship at last, but it felt like a beginning to me, Kayla. I agree, Byron, but our guest finish your story. Also in the midst of an incredible story. Please welcome the man who won the main event. बेइज्जती कर रहे हैं भाई इन लोग बैठा के. The undisputed WWE Universal Champion. Welcome, champ. Huge night for you at WrestleMania. Thanks, Byron. First, congratulations to Cody. He's been in the hunt for a long time. From one champ to another, here's to you. फुल बेइज्जती हो रही फुल. सर कैसे मैं बेइज्जती कर रहा हूं. Right after you won the WWE Universal title, Roman Reigns joked that you wouldn't last a month. Oh, देख लो. Now it is day 666 and hope that's not bad luck for your upcoming match. Wait, do you know something I don't? What match? Yes, it Brock. Wasn't meant to come out that way, but we do have some significant news to share on that front. Way to blow our big reveal, Byron. Brock Lesnar आने वाला. Anyway, Miz gave us the exclusive on your next championship defense. भाई स्टोरी खत्म कर दूंगा मैं अगर आज ब्रॉक आया तो मैं पूरा गेम खेलूंगा. Just remember, we're only the messengers. This is straight from the Miz. You will defend the undisputed. अच्छा elimination chamber match. Universal championship against 5 other superstars in an elimination chamber match. I think Mrs. words were actually. और ये मत बोलना कि मैं पहले में स्टार्ट करूंगा एलिमिनेशन चैम्बर, मैं फर्स्ट रहूंगा, ये नहीं कह देना बस. So, thoughts? I'm not fazed. Sure. This will be one of the greatest tests of my reign. ठीक है भाई. चलो भाई ठीक है. And Miz can bring out all the heavy hitters he wants. हराना होगा तो वैसे भी हराए खेल लो. Isn't going to enter the picture. They used to call me the 2K का सीन ये है ना, हराना है तो वैसे भी हराएंगे, चिताना है तो वैसे भी जिताएंगे. Knows that I am a workhorse. I'm going to out hustle every man in the chamber and I'm going to walk out still the undisputed WWE Universal Champion because Miz sets him up and I knock him down. So, anything else you want to cover? Think you made your point. एक एडिटर की जरूरत है जो मेरी वीडियो एडिट करे, तो ये सारे लोडिंग सीन काट दे. कोई इंटरेस्टेड हो तो डीएम करना. ठीक है भाई कोई बात नहीं. एलिमिनेशन चैम्बर, चले यार मैच में चलो. विलियम रीगल क्या बोलना चाह रहे हैं. Look at the smile. You look in Cody. Good for him. Good for the business. I get your relief. Hopefully you can hold on to the WWE. Yeah, consisting mostly of guys. Overconfidence can blind one to unseen threats. I'm coming up on 2 years as WWE Universal Champion, Regal. Well, how you've changed. What? If you get through the Elimination Chamber, perhaps Miz and I should start a conversation about the match everyone expected on your first night as champion.
चल ठीक है भाई. Expected me to lose. Bring it on. A fine question indeed. One that's been hanging over my maybe. ठीक है, कोडी वर्सेस मी कर लेते हैं एक बार एलिमिनेशन के बाद, चेंबर के बाद. एक बार देखे एलिमिनेशन चेंबर में है कौन कौन. लेट्स सी, कोई एडिटर हो तो बताना जो कट सीन्स काटते, क्योंकि मेरे को आलस आता है भाई ये चीज़ करने में. कर दूंगा, एक्सपोर्ट होने में वीडियो टाइम लेती है एक एक घंटे की भाई, 15-20 जीबी के तो एक वीडियो बनती है मेरी. ओके, 15 जीबी की तो एक वीडियो होती है, तो ऐसे कैसे कर दूंगा मैं. ठीक है, सेकंड वन फिन बैलर जैसे है क्या जो नहीं. अच्छा अच्छा, मैं अंदर हूँ, मैं अंदर हूँ, थैंक गॉड, थैंक गॉड मैं अंदर हूँ. जस्ट कीप फाइटिंग. केविन ओवेंस है, और कौन है, ब्लू ड्रू में के टायर वैसे ही लग रहा है. हाँ ड्रू है, ड्रू है, ड्रू 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 है. और कौन है, लोगन पॉल. अबे इसको कौन बोला था मैच स्टार्ट, लोगन पॉल से ही करवाओ मैच. AI मेरी बात सुन लेना. अरे भाई मेरे को लगा था मैं अंदर हूँ, लेकिन वो कोई और है, वो एक केन है मतलब, और मैंने केन वाले पैंट पहने हैं ना, तो मेरे को लगा वो मैं अंदर हूँ. मतलब लोगन पॉल और मैं मैच को स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, जैसे ही लोग आना चालू करेंगे मैं एक ट्रिक लगाऊंगा. ये ना यार मेरा ग्राफिक कार्ड लेने को लगता है पुराना हो गया, RTX 2080 है, पर पुराना हो गया मेरा ग्राफिक कार्ड. मतलब अब मेरे को लगता है सपोर्ट तो कर रहा है, इतना चला ले रहा है, बड़ी बात है स्ट्रीमिंग के रिकॉर्डिंग के साथ साथ, बट मेरे को ऐसा लगता है अब मेरा ग्राफिक कार्ड की उम्र हो गई है, अब मेरे को 4090 एटलीस्ट लाना चाहिए, या 5890 जो भी आएगा वो वाला. ओ डैनियल ब्राइन, चलो भाई अब जो भी बाहर आ रहा है मेरे पास अब एक ट्रिक है. अरे यार केन को ही आना था बस. ये अब मैं जो करूंगा वो ये है, अब मैं अपनी हेल्थ बचा रहा भाई, बस मेरे को नहीं पड़ना इन साड़ों के चक्कर में. अब मैं यहां पे खड़ा हूं, ऐसे होगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा. देखो बस अपन को ना केज के ऊपर चढ़ के रहना है, ठीक है, ये लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे, अपन को बस केज के ऊपर खड़े होना है, मतलब सॉरी इस पे क्लाइम करके रहना है. जैसे कोई इधर आएगा तो मैं इधर जाऊंगा उधर. देखो भाई ये मत बोलना कि मैं लड़ ले रहा हूँ टाइम पर, नहीं मैं अपने आप को रिकवर कर रहा हूँ. अब जो भी आए, जो भी इन लोग लड़े फड़े, जो करना है करे, मेरे को क्योंकि जीतना है, इसमें लिखा है विन एलिमिनेशन, और कोई भी स्टिपुलेशन नहीं है इसमें. और अगर केज के ऊपर खड़े हो जाऊंगा ना मैं, चैम्बर पॉड के ऊपर अगर मैं खड़े हो जाऊंगा. अरे यार यहीं से आना रहता है इन लोगों को. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इतनी हेल्थ बचाई थी यार, खा गया मेरी ये सेथ रॉलिंस, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा. हाँ ठीक है भाई, कूद अब, कूद जा भाई, कूद जा. रुक जा भाई, तेरे को मैं बताता हूँ, अब साले सेथ रॉलिंस ज्यादा उचक रहा है. ले भाई रेफरी, चल रेजिलेंस खा, चल भाई KO निकल चुका है.
सेथ रॉलिंस की रेजिलेंस तो खा लूंगा अब मैं यार। इसके ना मूव्स बड़े गंदे हैं यार। स्पीयर स्पीयर कुछ भी देने के लिए करो। रेजिलेंस गई। चलो सेथ रॉलिंस का मैंने आधा काम कर दिया, आधा तुम लोगों पे। चलो भाई चालू हो जाओ तुम लोग। अब मैं यहाँ पे चढ़ूंगा ऊपर। अब ये लोग अपना लड़ेंगे। देखो भाई मैं खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं खेल रहा हूँ। बस ये है कि मैं अपने आप को सेव करके खेल रहा हूँ। इन लोगों को लड़ने दो ना यार, क्या दिक्कत है। शो FPS भाई, शो नहीं हो सकते अब। यार ड्रू मैकइंटायर भी अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं करो यार। ये नए नए आए हैं अभी लोग। अब ये केन मेरे तरफ आए, उससे पहले मैं ही चले जा रहा हूँ। मैं अलग खेल रहा हूँ भाई, मैं अपने आप की पूरी रिकवर करके आखिरी में जो बचेगा उसके साथ। भाई सेथ रॉलिंस को कर सकते हो तुम लोग अभी आउट चाहो तो। बस अब मैं फिर ऊपर आ गया। कहीं भी कूद जाओ, बस कूद जाओ यहाँ से बाहर। और सेथ रॉलिंस का ना मेरी हाथों होगा जो होगा। साले सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। ले भाई रेफरी चल, सेथ रॉलिंस वैसे भी आउट है। और मैं जा रहा बाहर। बहुत मार लिया, नहीं तो अब कूट जाऊंगा भाई। कसम से मैंने काम कर दिया है सेथ रॉलिंस का। पहले सेथ को मारो, केविन और वैसे ड्रू को भी मार सकते हो, बट उन लोग अभी अभी नए हैं तो कुछ बोल नहीं सकते ना। चल अब एक नया ट्रिक लगाता हूँ। अब एक नया ट्रिक है मेरे पास, कोई भी बाहर आया अगर तो। रिंग का राइट साइड खाली है, वहाँ भी कर सकता हूँ मैं। अब एक मेरे पास नई ट्रिक है, सेथ रॉलिंस को पिन पहले करा सकते हो। अब एकदम फिल्मी मैच चल रहा है ना, सेथ का मेरे साथ राइवलरी है भी क्योंकि। अरे कोई तो मेरे पास आओ। चलो लोगन पॉल मेरे को लगता है। चलो देखे ड्रू मेरे पास आ रहा है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो। देखे इसको बोलते हैं भाई मैच। ऊपर चढ़ने का मेरे पास वो बार बार ट्राई करेगा और मैं नीचे उतर जाऊँगा। फिर जैसे वो फिर चढ़ेगा तो मतलब वो जब चढ़ने के लिए करेगा मैं नीचे उतर जाऊंगा। फिर वो वहां से कूदने के लिए करेगा मेरे ऊपर, तब तक मैं ऊपर चढ़ूंगा। मेरे को नहीं लगेगी पर वो बंदा गिर जाएगा, समझे बात। यहां से क्योंकि लो नहीं पकड़ सकते इसलिए। तो दिमाग है, ये दिमाग है भाई, सब पे नहीं होता है, कुछ पे होता है तो कर लेता है यूज। ड्रू मैके टायर जैसे चढ़ रहा था अभी। चलो देखते हैं पिन होता है कि नहीं। भाई सेथ रॉलिंस खेल तो अच्छा रहा है सच में, लेकिन दिमाग अच्छा लगाया ना मैंने। बताओ भाई बताओ, लगाया नहीं लगाया। अब मेरे पास कोई जैसे ही आएगा ना मैं वही, मैं PC में खेलता हूँ यार तो इसलिए ना ग्राफिक कार्ड वाला सीन होता है इसमें। तो मेरे में RTX 2080 है अभी, पर मेरे को लग रहा है अब उसका भी उम्र हो चुका है तो अपग्रेड मांगेगा ये। अभी देख लो बॉडी किसकी सबसे ज़्यादा बची हुई है। लोगन पॉल और मैं स्टार्ट किए थे, अब देख लो लोगन पॉल की और मेरी बॉडी देख लो एक बार। और मैं खुश हो रहा था कि मैं केज के अंदर हूँ जबकि वो केन था। भूल कैसे गया था मैं यार, मेरी भी सेम पॉइंट्स हैं, खुद जाता उस पर। अरे यार बॉडी इतनी देर से बचा के रखी थी यार, ये क्या, ये गजब चूतिया कंट्रोल है भाई इस गेम का। चल भाई रेफरी आ जा, सेथ रॉलिंस का हो गया।
भाई कैसे कर ले रहा है ये नहीं ठीक है भाई कोई बात नहीं केविन ओवेंस के पास सब कुछ भी नहीं है ना रेजिलेंस है देखना अब ये अब जो सेथ रॉलिंस मेरे साथ करेगा अब देखना मैं क्या करूंगा अभी सेथ रॉलिंस ऊपर चढ़ रहा है ना चढ़ने दो देखना बस अभी मेरी ट्रिक देखना अब तो ये कूद गया वो अपनी बॉडी डैमेज कर लिया और वो जैसे ही कूदेगा मेरे को बस फिर से ऊपर चढ़ जाना यही ट्रिक है भाई इस गेम में जीतने की केन भी वही करना चाह रहा है देखो इस बार अब थोड़ी सी दिक्कतें होंगी मैं उतर गया नीचे ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल फिल्मी सा होगा नाइस करा ले भाई पिनफॉल करा ले मैं इंस्टेंट रिकवरी करके भाग रहा हूँ यहाँ से लेट्स गो दिस वे यार इतनी देर से बचा हूँ ड्रूस हारने के लिए थोड़ी ना Let's go. चल भाई रेफरी जल्दी अबे बाद में बताना ना ड्रू को अलग ही बना दिया भगवान इस गेम ने चल भाई रेफरी वन टू चलो ड्रू की रेजिलेंस गई चलो ड्रू को फिनिशर देते हैं सेथ रॉलिंस भाई पर सेट ज्यादा टिक गया इतने की उम्मीद नहीं थी मेरे को सेथ रॉलिंस दो मिनट रुक जाना डिस्टर्ब नहीं करना पिनफॉल होने दे क्या डिटेल है भाई इस गेम में मैं भी बाहर जा सकता हूँ क्या यहाँ से अभी तो मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सक रहा रुक भाई ड्रू कहाँ जा रहा है रुक जा ड्रू देखना अब वो कितने प्यार से बंद होगा लेकिन पूरा प्रॉपर एक लेवल पे ऊपर नीचे होके बंद होता है भाई केज कितना डिटेल बनाया है भाई चलो सही है भाई तुम लोग लड़ो मेरे को क्या मैं केन की बॉडी डैमेज कर पर केन मेरे को ऐसा लग रहा है ना यार केन या केविन ओवन मेरे को लग रहा है केन ना एडवांटेज में हेल्थ भी और वो भी जो भी हो भाई मुझे क्या अरे यार ये सारे लोग यही आते बार बार बस गेम ना बंद नहीं होना चाहिए अटक रहा है ठीक है बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बंद हो गया ना गेम क्रैश हो गई अगर गलती से तो मेहनत छूट जाएगी सारी की सारी भाई तुम लोग लड़ लो जो करना है कर लो बाकी जीतना तो मुझे ही है यार तुम साढ़े जाने नहीं हो मेरे कौन हूँ मैं ना कसम से गलती से जो बटने दबा दे रहा हूँ ना बस अब केविन ओवेंस की बॉडी देखना मैं कैसे डैमेज करूँगा चलो भाई केन एलिमिनेट हो गया अब देखो केविन ओवेंस को मैं कैसे डैमेज करता हूँ देखो बस तुम देखो यार No place is safe in the elimination chamber, but the outside is especially dangerous. मेरा कंट्रोलर बंद हो गया
चलो देखो अब मैं यहाँ से नीचे चले जाऊंगा। अब केविन ओवेंस कूदने के लिए करेगा। अच्छा नहीं भाई, मेरा कंट्रोलर अभी अटक गया था पूरा। चलो अब मैं नीचे जाऊंगा। अब केविन ओवेंस क्या करेगा, अब वो कूदने की ट्राई करेगा। नहीं छोड़ो भाई, मैच को अच्छे से खत्म करते हैं। मैच अच्छे से खत्म करते हैं। ये सब रोट है, ये सब में क्या रखा यार। अच्छे से खेलेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। वाह क्या ग्लिच था, मजा आ गई देख के, दिन बन गया मेरा तो। अच्छा ऐसा खेलेगा ये अब। ऐसा खेलेगा ये अब, रुको अब मैं बताता हूँ फिर कैसे खेला जाता। आजा भाई अंदर आजा। उठ जा भाई उठ जा। The champ will stay champ. अब कोई चांस नहीं है जितने का, कोई चांस नहीं है। 1, 2, 3 चल भाई रिटेन हो गई। ऐसे खेला जाता है भाई, वो बॉडी में हेल्थ देखो कितनी ज्यादा है अभी भी। ऐसे खेला जाता है। देखो बल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, इसको बोलते हैं बल और बुद्धि का प्रयोग करना। देखो मुना भी जीत गए, रिटेन कर ली टाइटल। अब का भाई, अब का कोडी रोड्स। अच्छा गुड था, आपका कोडी रोड्स लाएंगे। हाँ ठीक है, हो गया इंटरव्यू बहुत हुआ। बार बार एक ही लोडिंग स्क्रीन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बार बार एक ही एक चेहरा दिखा के लोडिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली भी मैच में या बाकी जगह एंटर किया जा सकता है, उसकी जगह कुछ वीडियो या कुछ और दिखा दो टाइम पास। कब समझेंगे टुके वाले। हाँ। पहले अपग्रेड करूँगा, ये सब चुतिया पे होते रहे। चल भाई हो गया, अब अपन है 90 तो ऐसे भी पहले भी थे, और सबको 10-10 कर देंगे तो मेरे को लगता है अपन लोग जीत जाएंगे फिर। ट्रॉय तेरे से तो कोई मतलब नहीं होता बात करने का। ये लोग ऐसे हिल क्यों रहे। दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम अनडिस्प्यूटेड। चलो भाई क्या करना है बताओ। अब अगली बार से देखूंगा भाई और कौन कौन है, स्टोरी लाइन देखना। हील वाली अनलॉक तो कर ली मैंने, लेकिन उससे और भी चीजें दिख गई कि क्या क्या होता है। यार गेम प्ले में मजा तो आ रही है इनके, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है गेम प्ले सच में, मतलब बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अरे ये तो वो है यार, वो मोटा सा जो ब्रॉन्सन रीड। देखो इस पे कितना स्मूथ चल रहा है गेम, दो लोग हैं तो उसमें 5-6 लोग थे तो थोड़ा सा अटक रहा था गेम। मेरी आदत है पहले मैं पैर की हल्दी कर देता हूँ ताकि वो सामने वाला बंदा खड़ा ही ना हो पाए ढंग से। और ये है भी ब्रॉन्सन रीड। अभी तक मेरे को लगता है शायद उसने मेरे को छुआ भी नहीं है।
defensive instincts need to kick in. अभी छुआ इस. Bronson was getting grinded down, but could have just started a quick turnaround here. And back. He had it scouted. Back mode two. Knee to the face. Body shaving ain't good, but इसका मतलब ये है. उसने कुछ तो अपना यूज किया था, कुछ तो भी चीज वो भी वेस्ट कर दी. क्या करना है, हराने ही है ना, डिफीट. ठीक है, तुम लोगों को शायद दया आ जाए, पर मैं ऐसे ही खेलता हूँ. Never let them know what's your next move. चलो भाई, पैरों की भी मैंने हालत बजा दी, अब बारी है शरीर की. इतना आसान थोड़ी ना है मुन्ना भैया को हरा देना भाई, ऐसे थोड़ी ना मिर्जापुर के किंग है. वाया पिनफॉल और सबमिशन दोनों है ना. क्या मतलब हुआ इतना जल्दी उठने का भैया. ब्रॉन्सन रीड को तो एकदम मैंने बच्चों जैसे हराया यार, बच्चों जैसे हराया. असली में तो नहीं हरा पाऊंगा ऐसे में, फिर भी. फिर से कट सीन. अच्छा साले कलुआ के लौंडे, समझ ले मैं बहुत गंदा मारूंगा ना अगर मारने पे आ गया तो. साले बहुत गंदा मारूंगा अगर मारने पे आया तो, खून वून कर दूंगा एकदम लाल. यार एक ऐसा मैच करो ना यार, अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए करो यार, अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए करो ना यार एक मैच. एक बॉय वर्सेस गर्ल वाला तो बहुत देख लिया, सब देख लिया. अब ये टाइटल वर्सेस टाइटल मैच करो ना यार, गुंथर का और मेरा, मजा ही आ जाएगी. और गुंथर को शायद इसलिए भेजा है ना क्योंकि मैं तो यहाँ पे अब फेस प्लेयर बन चुका हूँ. देखो ग्लिच हो गया ना गेम, देख रहे हो, अब कुछ आ नहीं रहा था. मुन्ना भैया फियर्स गुंथर. अच्छा भाई ये हॉलीवुड में जाके ये सब चीजें कर रहा है रोमन रेंस, हॉलीवुड जाके यहाँ पे तो ये सब चीजें चल रही हैं, चिटबाजियां चल रही हैं. नहीं है कुछ अपग्रेड करने का, छोड़ो. चल भाई ट्रॉय क्या कहना चाह रहा है बता. Where the hell is he, Troy? Our general manager? Zero interest in small talk, Troy. I want Gunther now. Do you? What are you trying? I'm not trying. चल भाई आज गुंथर के साथ मैच है, मेरे को पता है. अनडिस्प्यूटेड कर दो तो और मजा आ जाएगी, दो टाइटल आएंगे मेरे हाथ में जल्दी से भाई. चलो दोनों टाइटल के लिए हो जाए मैच, हो जाए जल्दी. हाँ ठीक है, लेट अस किया यूनिवर्स. गुंथर इज वन ऑफ ट्रू चैंपियन लेबर्स इन हिज शैडो. अच्छा ओके ठीक है भाई, चल ठीक है ठीक है. वो अभी दिख जाएगा कौन मजदूर है कौन क्या है, बाकी सबकी रिस्पेक्ट करो. चलो आ जाओ देखते हैं, हम भी मजदूर हैं, जनता के मजदूर हैं हम भी हैं. मेरे को पता नहीं चल रहा है मैं एक एक घंटे की वीडियो कैसे बना दे रहा हूँ यार, बैठे बैठे मजा आ रही खेलने में, अचानक से इंटरेस्टिंग हो जा रहा है गेम प्ले. ये सब नहीं देखना है. अच्छा केसर से पहले लड़ना है, ठीक है भाई कोई नहीं. लुडविग में तो वैसे भी रेजिलेंस भी नहीं है, ये तो ऐसे ही हार जाएगा. मेरे को लगता है इसको मैं एक बार में हरा दूंगा, ये तो एक बार में हार जाएगा मैं. बाकी इसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी ऐसी बनानी है. छोड़ उसको, वो मिल जाएगा मोमेंटम. बस आके पिनफॉल करते हैं. चल भाई इतना हल्का भी नहीं जितना मैं शायद सोच रहा हूँ, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना भी नहीं है. क्या कर रहा है भाई,
into the mush. Oh, merciless knee to the face. Oh, vicious running knee lift. All of Ludwig's impressive self. Move thief lunga bhai main ab agli baar. Yeah, but he's not breathing heavy yet. Ducking out of trouble. भाई बाकी इसकी बॉडी तो अच्छी बनाया है इसने लुडविग ने. हाँ ऐसी मार खाएगा. मूव तो बहुत सारे डाले हैं इस बार टूके वालों ने. मेरे को लगता है इसमें भी इसका काम हो गया. शायद एक बार हटा ले. नहीं ले भाई. लो भाई पूरी इंपीरियम आ गई. ये स्टोरी लाइन मैंने देखी है बाकी गेम प्लेस में, तो मतलब वही बात है, मैंने जो खेला है वो मैंने एक्स्ट्रा खेल लिया बस, बाकी ऐसा कुछ अलग नहीं किया है मैंने. बट बहुत कम लोगों ने हील स्टोरी लाइन में इसकी फॉलो की, तो कुंथर पहले आ गया लोगों के में, मेरे में अभी आया है, बस ये अंतर है. बाकी बात वही है, स्टोरी सेम चल रही है. मतलब मेरी स्टोरी लाइन थोड़ी सी लंबी हो सकती है. Oh, you look like you've been in a car accident, champ. Miz wanted me to extend his deepest sympathies. That's not exactly how he phrased it on social media. I can't believe the flowers have arrived. I just got Gunther and his lackeys jumped me. Then you'll be happy to know that Miz... Chalo, match mil gaya. Continue kare. Match. Go to match. Let's go. Mereko aisa lag raha hai Gunther ke baad mereko fir se ek banda jo aur tha na, uska Ludwig ke alawa ek banda aur, usko bhi pehle ladna padega. तभी मैच मिलेगा. ये होता है यार इस गेम में, सच में ये है ना यार. देखे कोई वो टाइटल मैच नहीं लग रहा है मेरे को देख के. तो बोला था ना, अच्छा गॉनलेट मैच है ये गॉनलेट मैच है, तभी इसका यहाँ पे पहले आया है. पहले मेरे को इसको हराना है, फिर मेरे को उसको हराना है, और मतलब पहले इसको हराना है, फिर मेरे को केसर को हराना होगा, फिर गुंथर आएगा लास्ट में, फिर शायद टाइटल मैच होगा लास्ट में, या हो सकता है अभी टाइटल दे दें. फालतू है भाई ये ऐसे मूव्स. मानो सिग्नेचर फिनिशर ला के रख लेता हूँ बस, मैं अभी ये सोच रहा हूँ. बाकी इसको काउंट आउट से भी हरा सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ सिग्नेचर फिनिशर लेके आऊँ मैं. आ जा भाई अंदर आ जा. काउंट आउट से मजा नहीं आएगा हराने में. अब ये इसी मैच में इन लोग इतना अच्छा कैसे खेल ले रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा. Hold on a second. He might be finding a submission hold here. It's cinched in. I think we're just moments away from seeing a tap out or hearing a snap. Honey gets out. Perhaps some renewed life in him now. इतना लंबा सा मिशन कैसे ले लिया, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा. पता नहीं ये बीच बीच में क्यों लैग करता है क्या. ग्लिचेस तो हैं भाई, क्योंकि 2080 इतना बुरा प्रोसेस वो नहीं है, क्या बोलते हैं यार, जीपीयू इतना बुरा नहीं है वो जीपीयू. हाँ भाई आ जा रेफरी. भाई गुंथर को हराने में हालत तो खराब होगी, समझ तो आ रहा है अब मेरे को. हटना बे चूतिये गवार रेफरी. अभी मैं पिन खोल तो नहीं करूंगा इसका. पिनफॉल तो नहीं करूंगा मैं, सिग्नेचर फिनिशर लेके आऊंगा. हाँ भाई धन्यवाद.
up even before a one count. Where in the world does one find such strength at this stage to kick out that early in the count? Ooh, harsh kick. Knee left. Bam! That kick will stop you in your tracks. And an impactful display of offense we just witnessed there. Maybe शायद पेन हो जाए, इतना मार खा गया, नाचता रहता है रेफरी कसम से इसमें। चल भाई, सिग्नेचर बच गया मेरा एक। भाई गुंथर को तो आते ही हरा दो सोच रहा हूँ। चलो लुडविग केसो, आजा भाई आजा। Just look at the WWE Universal Champion. This guy's already hurting, and he's only in the second fight of the gauntlet. Of course he's hurting. Vinci wasn't in that first match to win. He was looking to hurt the champ. And what do you think Ludwig Kaiser is going to do in this match? Haven't you learned? भाई गुंतर को आते ही सर 3-4 स्पीयर दूंगा मैं। पता नहीं क्या देखते हैं, क्या करने जा रहे होते ये लोग। तब रॉक लेसनर वाला था। लेकिन ना रेफरी। चल भाई कैसर मेरे को लगता गया नहीं, भी तो सिग्नेचर ला के ही हराऊंगा तो मैं 3। चल भाई गुंतर आते साथ मरेगा। डिफीट इंपीरियल इन गॉन्टलेट मैच। चल भाई केसर केसर चला गया, लुडविक केसर केसर बोलो जुबा केसर Can the dark horse take down the surprise opponent? Aja. What's going on here? Has Ilya Dragunov joined Imperium? And that can keep Dragunov down. Into the pin attempt. Two. No, he beats the count. Ilya Dragunov with a tremendous kick out. And you have to think that the mad Russian has found a new reserve of adrenaline that's only going to make him stronger from here on out. Listen, that should have ended things. है कौन भाई ये बंदा? आते ही एक स्पीयर खा लिया है। है कौन इतना चिकना बंदा? इतना मतलब ये बहुत ऑयली ऑयली स्लिपरी स्लिपरी सा है साला, ये पकड़ में भी नहीं आ रहा। फिर भी मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं सिग्नेचर और फिनिशर तो अपना बचा के रखूंगा। The sound of this crowd is deafening and he's asking for more. भाई इंपीरियम आने वाली थी, क्या हो गया? अब ये इंपीरियम का बंदा है क्या? क्यों लिखा है फिर उस पे डिफीट इंपीरियम? Guillotine locked in. This is all. No, that was an incredible counter.
भाई पिनफॉल तो होना ही है। ये स्टोरीज मैंने देखी है भाई बाकी लोगों के, उसमें ये देखी है मैंने ये स्टोरी भाई। कब आएगा ये गुंथर के साथ मैच? ना थोड़ा रुलाता है लेकिन मिलेगा जरूर, ये याद रखना। थोड़ा रुलाएगा बट मिल जाएगा मैच, मत टेंशन लो। हाँ भाई कसम से कब मिलेगा मैच। ट्रॉय मैच दिला दे यार गुंथर के साथ। भाई देखो जब तक मैच नहीं मिलेगा गुंथर के साथ मैं वीडियो नहीं खत्म करूंगा। आज मैं पूरी बना दूंगा यार, चलो आज बना दूंगा मैं पूरी, निपटा दूंगा। ये हील वाली देखने को मिल गई भाई तुमको, बस ये याद रखो। अच्छा भाई सिर्फ यूनिवर्स ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लाइन पे गुंथर अपनी डिफेंड नहीं कर रहा। गुंथर डर चुका है वैसे भी कि ये तो हरा दे रहा है, तो गुंथर डिफेंड नहीं कर रहा। सीधी बात, मिज़ ने बोल दिया ये चीज कि गुंथर डिफेंड नहीं करेगा, सिर्फ मैं डिफेंड करूंगा एनओसी। और इनके पूरे बंदे आएंगे शायद भाई। 3 मैच हो गए उसके बाद भी मैच नहीं मिला। सोचो गोंडले मैच में 4 लोगों को हरा दिया मैंने, 3 लोगों को, फिर उसके बाद में 1 मैच में केसर को हरा दिया। बीच में क्यों खड़ा था भाई ये? और कौन आ रहा है? तो वो शुरुआत में क्या था फिर? जो भी है छोड़ो यार, मेरे को क्या, छोड़ो। वैसे भी इंटरकॉन्टिनेंटल में हो ही नहीं रहा, पूरा मैच का मजा ही खत्म हो गया भाई। मैं बोला डबल टाइटल डिफेंस होगा लेकिन नहीं, मैं ही कर रहा हूँ बस अकेले। तीन चार फिनिशर एक साथ दे के खत्म करूंगा मैच। मान रहा हूँ तुमको लगता है मैं रिपीट मूव मारता हूँ लेकिन मेरे को पैर को डैमेज करने में बड़ा मजा आता है। लेग्स पहले डैमेज कर दो। आज पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया लेकिन मैं गुंथर में अपनी, पता है इतना जो ये स्नीक अटैक्स कर रहा था ये। ले खा जा साले, इन लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं यार ये साले लोग। रुक जा भाई, मेरे को बाहर जाके मारने का मन तो है पर मेरे को पता है इन लोगों को मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन लोगों को कुछ होता नहीं है ना, मतलब उनकी हेल्थ वेल्थ कुछ आ ही नहीं रही है, मतलब इन लोग इजेक्ट भी नहीं होंगे अगर ज्यादा चीटिंग भी करेंगे तो, ऐसा वाला है आज। ये डॉज एक नंबर चीज बनाई है इस गेम में भाई, कुछ भी बोलो। चल बाहर इन लोगों को भी मार दें क्या? और ये मेरा पैर ये खींचा था ना, तू पैर खींचा था ना साल। यही तो टाइम है ना यार, यही तो टाइम है ना, आज अंदर आ जा। अरे रे गुंतरू, ए गुंतरू, अब यही तो गलती है ना यार, इंडिकेटर मेरा उन लोगों पे था। रिवर्स रन नहीं कर पाते भाई लोग, रन वन क्यों नहीं करते? रनिंग में इन लोग एकदम आदत खराब है इनकी। चलो रेजिलेंस तो जाएगी कम से कम। चलो रेजिलेंस तो खा लिए मैंने, बाकी मैंने अभी तक एक भी मैच अपनी रेजिलेंस यूज नहीं की, ये भी नोटिस किया मैंने। गुंथर
अच्छा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके सर फोड़ दूंगा। अच्छा ये इसका फिनिशर था। कोई नहीं, एक भी नहीं होगा। बेयरली तो मैं अपनी रेजिलेंस आज तक यूज नहीं किया हूँ एक भी मैच में। अब ये मत बोलना गुंथर है इसलिए इसका ब्लड नहीं आएगा। भाई तुम लोग मत आओ ऊपर क्योंकि मैं ना डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होने वाला। ये देखो अब सिग्नेचर ही नहीं दे रहा है भाई ये बंदा। रिवर्स कर दिया। तो एकदम रोमन रेंस वाला स्टाइल पे मार रहा हूँ। ब्लड ही नहीं आ रहा, इतने बार ट्राई किया। देखो टेक्निकल गुरु जी बैठे हैं ग्रीन टी शर्ट में, मैच देख रहे हैं। चलो भाई कोई कट सीन नहीं है, लेकिन यार टाइटल डिफेंड गलत हुआ ना। स्टील है या स्टील ऐसा बोल रहा चला लिया। गलत है यार, पर मेरा टाइटल डिफेंड ही हो रहा है हर बार। चलो भाई 1100 दिन ऑलमोस्ट। Before we introduce our next guest, let's set the stage. Cody Rhodes is still the world heavyweight champion on Raw, providing some stability after a tumultuous period that saw several champions come and go. Finish your story. I don't understand why we do these recaps. अरे पीछे लेजेंडरी रोमन रेंस है। Nonetheless, I'll play ball. On SmackDown, after continuing to dominate, the dark horse has become the workhorse. Now holding the वो वाली भी स्टोरी लाइन आती है, डोमिनिक मिस्टेरियो को मनाओ करो वो बुरा मान गया है। ये वाली भी थी कोई सी पूरी रिया रिप्ली और डेमियन वगैरह सब लोग आते हैं। And now he's approaching Roman's record setting run. Unbelievable. Why don't we ask Miz about that misguided prediction right now? Please welcome our guests, the SmackDown and Raw general managers, The Miz and William Regal. First of all, I take offense to the accusation that I ever doubted my champion. I know how to pick a horse, and in this case, I was behind the dark horse since day one. Piche, rubbish. Cody Rhodes. You never wanted him to be champion. Eric Rowan. And you've done everything in your power to try Luke to put Harper, an end to his reign. Purane Raw ka logo. Money in the Bank. That's what World Heavyweight का पुराना चैंपियनशिप, Firefly House की डॉल, पुराने Money in the Bank और Intercontinental। भाई क्या क्या रखा है पुराना यहाँ पे। पुराना यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी है जो फिन बेलर के पास थी। अरे बाप रे, रॉक वाली चैंपियनशिप, ECW चैंपियनशिप, वुमेन्स की भी ओल्ड चैंपियनशिप है। अच्छा न्यू डे का वो भी है, जॉन सीना का भी है, लैंटर्न भी है, ब्रे वाइट का, बहुत चीजें हैं। No one who matters. And the Giant Memorial Battle Royal का भी है। Eric Rowan, Luke Harper का भी कोटा रखा है। That's why they made me the general manager of the A show. Okay, maybe we take a break. Yeah. No, we're not finished here. You think Raw is the A show? Yes, I do. चलो भाई वॉर गेम्स होने वाला है। वॉर गेम्स होने वाला है जिसमें देखते हैं रॉ जीतेगा कि स्मैकडाउन। चलो फाइन, स्मैकडाउन विल सी यू एंड बीट यू एट वॉर गेम्स। यू पैथेटिक, पैथेटिक, वील सी हूज पैथेटिक मेट। ओके लेट्स गेट टू दैट ब्रेक। वॉर गेम्स के लिए अब टीम बनानी पड़ेगी शायद मेरे को, है ना। ऐसी तो चलती है स्टोरी, दोस्त बनाओ सबका, सबका कुछ कुछ काम करो और दोस्त बनाओ। चलो अपग्रेड पॉइंट्स मिले, ठीक है। मशीन गन कैली या के ए बस था वो। चलो भाई मिस से बात करें।
I am absolutely done with that overrated, blubbering British buffoon Regal. He thinks, well, at War Games, the... Hold on. Yeah, why wouldn't I? Yeah. Where's Team Banana? You sound like Regal. I've been Team Dark Horse since the beginning. Man, I am sure... Whatever, Miz. I got you. Right. So Seth and two other partners of my choice. I'll see what... Great. ठीक है चलो सेथ रॉलिंस मैं और दो मेरे चॉइस के पार्टनर्स होने चाहिए चलो बात करते हैं ओ बड़ी वी मीट अगेन ऐसे तो करते सर टीम रॉ से लड़ाई हो गई है ठीक है भाई ठीक है टाइम पास बाद में मेरे को चूज करने के लिए दे दो ना यार बस इतने रोस्टर में रोमन रेंस तो आएगा नहीं अब मेरे को लगता है रोमन रेस मिलने वाला है तो कर लेते हैं कुछ भी सलो हाँ मुझे पता है लेस बनाना है ट्रॉय से अभी मेरा मन नहीं है बात करने का रुको और कौन कौन है क्या भी ओवेंस चल कर ले भाई क्या बोल रहा है जल्दी कर Kevin Owens ke saath. I'm going to get right to the point. You need me for War Games. Yes. Okay. I'll cut to the chase too. I'm through. I've been in two. I don't think about it. Okay, fine. Okay, fine. Whatever. Whatever, just name opponent. Damien Priest, Omos. Omos okay, ko. Okay, hired gun. Go see if you can. If that's what you want. Bol raha hai ki tum kisi ek opponent ko chase pehle harao, uske baad main fir War Games mein main tumhara saath dunga. Maine bola, theek hai bhai, ab Drew McIntyre, Omos aur तीन दे रहे ड्रू गुल्ला कैसे कही तो तीन लोगों का नाम था मैंने बोला ठीक है भाई अब ले वो तो अच्छे वाले कोई हराएंगे ना यार इतना समय नहीं रहता ये सब देखने का मैच स्टार्ट करें अच्छा केविन ओवेंस बन के अबे ग्लिच देखे थे तुम लोगों ने ग्लिच देखा था तुम लोगों ने मैच चालू नहीं हुआ था बेल रिंग नहीं हुई थी उससे पहले मैंने मार दिया था अरे पर इस पे तो केविन ओवेंस बन के तो मैं खेल रहा हूँ ना ये बढ़िया है ग्लिच हो गया ये आ गया ब्लड हरा दूंगा केविन ओवेंस को लेके तो मैं किसी को भी हरा दूंगा केविन ओवेंस तो अच्छा प्लेयर है आज ओमोस के साथ वो नहीं आया एमवीपी He must have seen that coming. Setting up. Double leg drop. इतना एथलेटिक कब से हो गया ओमोस भाई ओमास legal, so hopefully this will be a short trip outside. Owens intercepts it. Omos gets out of the way. Caught him with a big boot. On the mark. Into a dragon screw leg whip. चलो count out. अच्छा count outs है. Thrown back in under the ropes. आजा भाई ओमा भैया. And Omos is revving this crowd. No, no, no. What a cross body. भाई Kevin Owens देता है high flying moves. मैंने देखा है. कैसे करना है ट्राई टू बीट ओमोस ट्राई टू बीट अच्छा हराना ही है ना यार Owens not afraid to mock his opponent both behind their back and to their face Owens over the Kevin Owens pop up power bomb and that's why Owens feels he can stomp around here Omos felt the full force of that one क्या गंदे गंदे एंगल है भाई इस गेम में सच में क्या ही तो एंगल्स दिखाते कैमरामैन क्या क्या एंगल दिखाते इसलिए बोलते स्टोरी लाइन थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए मेरे को लगा मैं हराऊंगा लेकिन भाई वो तो केविन ओवेंस नहीं हराया ठीक है कोई बात नहीं
ओके गाइज, ओके मेरे को थोड़े से वो मिले, एक सेकेंड. अच्छा एलेनाइट, अच्छा इन लोगों को मैं अनलॉक कर सकता हूँ, मेरे को इन लोगों को काम करना होगा बस. ओके पहले तो एट्रीब्यूट अपग्रेड्स करेंगे, 24 25 रनिंग की बढ़ाएंगे. तो चलो यार गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, 1.5 घंटे हो गए वीडियो बनाते, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्रेस कर देना बेल आइकन को. फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.